पाकिस्तान में हिंदू मंदिर की नींव, भगवान कृष्ण का बनेगा भव्य मंदिर, हिंदुओं की मांग के आगे झुकी सरकार, इमरान सरकार देगी 10 करोड़। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान में हिंदुओं का किस तरह दमन होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। यहां तक कि हिंदू मंदिरों का क्या हश्र हुआ पाकिस्तान बनने के बाद ये भी बताने की जरूरत नहीं। अब पाकिस्तान अपना पाप धोना चाहता है। इमरान सरकार भारत के डर से अब पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा रहे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। भगवान कृष्ण के बनने वाले इस मंदिर के लिए इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट का इलाका इमरान सरकार ने दिया। इतना ही नहीं, इमरान खान सरकार इस मंदिर को बनाने में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के खर्च का भी भुगतान करेगी। पाकिस्तान के मानवाधिकारों के संसदीय सचिव लाल चंद्र मालही ने इस मंदिर की आधारशिला रखी। आपको यहाँ बता दें कि 1947 से पहले इस्लामाबाद और उससे सटे हुए इलाकों में कई हिंदू मंदिर थे। हालांकि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है। इस मंदिर के लिए वर्ष 2017 में जमीन दी गई। आपको बता दें कि इस मंदिर के एक हिस्से में अंतिम संस्कार स्थल भी बनाया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान अपनी इमेज को विश्व मानचित्र पर सुधार रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए नरक बन चुका पाकिस्तान मंदिर बनाकर अपने पाप धोना चाहता है। वरना पाकिस्तान में हिंदू या इस्लाम छोड़ दूसरे धर्म के लोगों के हालात कैसे हैं ये बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में इमरान खान सरकार का ये फैसला एक बड़ा कदम है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जिस देश में खाने के लाले हैं वो भला हिंदुओं के मंदिर के लिए 10 करोड़ का दान कैसे करेगी, ये भी देखना होगा।